वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू ऑल डूइंग गुड। कैसे हो आप सब? और शुरुआत में चिल्ला चिल्ला के कर रही हूँ क्योंकि मैं आज अपने ब्लॉग के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद शूट कर रही हूँ। तो एनीवेज गाइस, मम्मी, मैं और पूजा, मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसे आप मेरी बहन भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, मैं भी बोलती हूँ तो आप भी बोल सकते हो। एनीवेज, तो गाइज हम लोग जा रहे हैं एक फियाबा करके कैफे है जो कि नोएडा में है, नया खुला है। तो काइंड ऑफ रेटिंग करने जा रहे हैं, लाइक आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। तो मम्मी, मैं और पूजा हम लोग जा रहे हैं लंच पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को भी पता चल जाएगा नोएडा में डीएलएफ के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमारा स्नो मस्ती जाने का मन था। फिर हमने गूगल किया तो डीएलएफ में स्नो मस्ती परमानेंटली बंद हो चुका है। तो हमने सोचा यार अब क्या करें। तो अब और पूजा एंड ग्रेटर नोएडा आ नहीं सकती, वरना वेनिस में भी स्नो मस्ती है तो हम वहाँ चले जाते। चलो वो तो कभी नकुल के साथ मैं मम्मी चले जाएंगे स्नो मस्ती, पर अभी हम सोच रहे हैं कि चलो लंच पे चलते हैं। तो नकुल और पापा दोनों घर पे नहीं है और मम्मी फ़ोन पर बात कर रही है मौसी से। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं बाय मेट्रो, क्योंकि मेट्रो से पास पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे का रास्ता है। पूजा के घर से 5 मिनट का रास्ता है। तो इसीलिए हम सब ने सोचा कि क्यों ना हम नियर बाय की कोई लोकेशन देख लेते, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। हमारा पहले जाने का प्लान था कि हम लोग जाएंगे कहाँ, हाँ मजनू का टीला, बट मजनू का टीला गर्मी बहुत ज़्यादा है, किसी दिन अच्छा वेदर होगा तो, या किसी दिन कालगजी वगैरह जाएंगे तो हम मजनू का टीला भी चले जाएंगे। फिलहाल हम मजनू का टीला नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं, फियाबा कैफे, और शायद मैं उसे सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। बाकी अमन भैया से पूछेंगे, भैया आपके कैफे का नाम क्या है। गाइस देखो मम्मी अपना बोली जा रही है, मम्मी मौसी, हाँ मम्मी ने फ़ोन यहाँ रख दिया और वहाँ खुद रेडी हो गई और मौसी यहाँ बोली जा रही है। देखो गाइस, मौसी कुछ पर्सनल बात कर रही थी, व्लॉग में हम सुना देते तो फिर यू नो दिक्कत हो जाती। तो गाइस हाँ, मैंने क्या बताया, गाइस देखो ये यहाँ पे हो चुका है एक बहुत ही प्यारा पिंपल, ठीक है। और ये क्यों हो गया है, बिकॉज होता ही है गर्मियों में, आम खा लो कुछ खा लो तो पिंपल हो जाता है। मेरी आँख में ऐसा लग रहा है कुछ चला गया, लेट मी चेक। हम निकल चुके हैं अपनी सवारी के साथ, ये है हमारी सवारी। आज हमारी सवारी कैसी लग रही है बताओ, ये देखो पूरी हीरोइन बन के निकली है, चंपा वाली। क्या नाम है? अच्छी अच्छी तो लग रही हो, फूल भी चंपा का ही बना है ना आपकी शर्ट पे, और इतना भी चंपा का ही लगा है। तो गाइस अब हमारा ऑटो आ गया है, हम जा रहे हैं और पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में मेट्रो स्टेशन पे। पहुंचने के बाद मुझे पूजा को कॉल करना है ताकि वो अपने घर से निकल जाए। देखते हैं फिर करते हैं एंजॉय। हाँ चलो, अब हम खड़े हैं मेट्रो स्टेशन, सामने लड़कियाँ खड़ी हैं एंड यहाँ ब्यूटीफुल लड़की खड़ी है। वहाँ पे नॉर्मल लड़कियाँ खड़ी हैं, यहाँ ब्यूटीफुल लड़की खड़ी है जो उनको कंपटीशन दे रही है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं फियाबा कैफे। और ये तो हमें गूगल पे देखने पे ऐसा लग रहा था कि हम ये किसी के टेरेस पे, मतलब छत पे टाइप लग रहा था, लेकिन अभी देखो आप लोग नीचे ही है। लेट मी शो यू, देखो गाइस क्यूटी क्यूटी है ना। बस कैमरा वैसे अलाउड तो होता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितना छोटा सा है, क्यूट सा है। वाओ, देखो पिंकी पिंकी लड़कियों के लिए सही है, सुंदर। आ जाओ अंदर, पूजा बैठी हुई है पहली सी। ये दिन में अच्छा लगेगा और ठंड में तो और अच्छा लगेगा, अभी तो इतना अच्छा नहीं लग रहा। और अब बाकी हम देखते हैं अंदर जाके पुश। देखो ये बैठी है, इसकी आदत है हमेशा टाइम से पहले आने की, और टाइम से पहले नहीं आपकी, ज्यादा ही लेट आने की आदत। नाइस, ये इनका मेन्यू, अब हम आपको बताएंगे। अब हम बताएंगे कि चल इस बार तू ऑर्डर कर ले जो तेरे को ठीक लगे, इस बार हम बताएंगे आपको कि क्या अच्छा है क्या नहीं। और सुन, जो भी ऑर्डर करे थोड़ा वर्थ इट होना चाहिए, लाइक पेट भरे, नॉट फॉर हवाबाजी, ठीक है। गाइस कुछ ऑर्डर करके मैं आपको बताती हूँ,
फिर हम आपको इसका टेस्ट का वो देंगे, क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट का क्या बोलते हैं, टेस्ट टेस्टर देंगे। तू तो रहने ही दे, पढ़ लिख कर भी अनपढ़ गवार है। ब्लॉग में अगर हम कुछ खा के मंगा रहे हैं और वो खा के बताना है, हाँ रिव्यू भी नहीं होता, वैसे कुछ और ही होता है, पर ठीक है आप समझ रहे हो गाइस, हम कुछ मंगाएंगे और आपको बताएंगे। तुझे मिल गई डिग्री, लेकर तो नहीं आई ना, हाँ तो लेकर आ जाएंगे गाइस। ये कुछ चीजें हैं, हम ऑर्डर देंगे, पीछे भैया खड़े हैं बहुत देर से। मम्मी ने ऑर्डर किया है स्ट्रॉबेरी शेक, मैंने किया है चॉकलेट चोको ब्राउनी शेक, किसने किया है चोको कौन सा, चॉकलेट शेक बेल्जियम, हाँ चोको बेल्जियम शेक। और मैंने ऑर्डर किया है ये, जिसका पे करेगी ये पे, तो बाहर से अभी फिलहाल ये ऐसा है, अंदर से भी आपको दिखा दिया मैंने। नाउ वी आर गोइंग अपस्टेयर्स, वीडियो बना रही हूँ, वो वीडियो स्टार्ट कर दे, ठीक है? हाँ कर दी। स्टार्ट कर। पूजा किसने चुड़ैल है ना, वो एक नंबर की चुड़ैल लगता है पूजा, है ना? बताओ ना क्या कर रही हो नहीं चुड़ैल ट्राली में जाती कह रही अच्छी है लड़की, हमें तो पता ही ना। तू नहीं दिख रही अच्छे से, देखो मत देखो मत गाइस, देखो वो री अब दिखाती हूं दोबारा, वो जा रही है गाइस। हमने ब्लॉग पता है कि शूट नहीं किया, हम मस्ती करने लग गए थे, फोटोज खींचने लग गए थे और फिर वीडियोस वगैरह बनाने लग गए थे, तो हमने इसमें ब्लॉग कंटिन्यू की नहीं कर पाए हम। और मेरा हर बार का यही है, मम्मी हम हर बार यही क्यों करते हैं, क्यों करते हैं हम ऐसा, हमें याद नहीं रहता क्या? इतने टाइम बाद पूजा मिली, हम उसके साथ मस्ती मजाक करने लगे, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो शूट करनी चाहिए वो हम हमेशा भूल जाते हैं करने के लिए, वही है ना, क्योंकि दोनों चीज़ों पर ध्यान देना, इंस्टाग्राम की पोस्ट पर भी ध्यान देना है कि इंस्टाग्राम में पोस्ट करने के लिए कुछ चाहिए, और इस पर भी ध्यान देना है, और सबकी वीडियो भी बनानी है, सब ने अपने अपने कंटेंट सेव कर रखे होते हैं, तो इस वजह से अब हम घर के लिए निकल गए, सही टाइम से निकल गए, 5 बजे ज़्यादा रुके नहीं, और शाम को ज़्यादा मज़ा आता खाना। अगर मैं आपको बताऊँ तो खाना मुझे तो ठीक लगा, वाइट सॉस पास्ता अच्छा था, पिज़्ज़ा एज कम मतलब पैसों के हिसाब से पिज़्ज़ा वॉज नॉट रियली गुड, एंड शेक वॉज वेरी गुड, एंड शेक अच्छा था ना, शेक तीनों शेक अच्छे थे, तीनों हमने अलग लिए, तीनों शेक्स अच्छे थे, और क्या था नूडल्स भी अच्छे थे, चिली गार्लिक नूडल्स ट्राई किए, हमें पैक भी करा लिए, पैक कराने का रीज़न ये नहीं है कि बहुत अच्छे थे, पैक कराने का रीज़न ये है कि अब तक खाए नहीं गए, और वही खाना मतलब ठीक था, और मतलब जिस हिसाब से जिस जगह पे वो है, और अभी 2 महीने हुए खुले हुए, तो उस हिसाब से पैसे भी ज़्यादा थे ना, इससे अच्छा अगर मतलब मैं बुराई नहीं करती, बट अगर हम गार्डन गलेरिया जाते तो इतना ही हमारा बिल आ जाता, अगर हम गार्डन गलेरिया जाते या डीएलएफ जाते तो जितना बिल हमारा यहाँ आया उतना ही हमारा वहाँ भी आ जाता, बट कोई नहीं, लंच पे आए थे इतने टाइम बाद, और सब जगह नई नई जगह एक्सपीरियंस करना चाहिए, और घर पे बोर भी हो रहे थे, मम्मी को लेकर हमने सोचा चलो कोई नहीं कौन, हाँ बस यही हमने सोचा, और तो क्या है आजकल रेल बन रही है हमारी, तो फिर हमारी मेड नहीं है गाइस, मैं मम्मी की हेल्प करती हूँ झाड़ू और पोछा में करती हूँ ना, बताओ सही बात है, और मैं तो पूरा दिन ही बर्तन खाना डस्टिंग सब कुछ करना पड़ता है, गाइस मैं मम्मी की हेल्प करती हूँ झाड़ू पोछे में, जो घर का मेन काम होता है वो मैं ही करती हूँ, साफ साफ लगाती कोनों में तो मैं ही लगाती, तब भी आगे प्रेशर से लगाना पड़ता है, डंडे से लगाना पड़ता है गाइस, अब घर जाएंगे, घर जाके क्या करेंगे, शाम के शाम हो गई है, सो भी नहीं सकते, सो भी नहीं सकते, फिर हाँ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, हाँ अब पहुँच जाएंगे घर शाम 15 मिनट की तैयारी पूजा पाठ, हाँ
बस फिर आज हम वहाँ गए, बाहर निकली भी घर से और व्लॉग भी सिर्फ स्टार्टिंग कर शुरू कर रिकॉर्ड किया। गर्मी हो रही है इस वजह से, बस ऐसा मन करता है घर में ही रहो। कोई नहीं, अब हम बहुत जल्द वाटर पार्क का प्लान बनाएंगे, वहाँ पे भी आपको व्लॉग नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? वाटर पार्क में जाने का मन नहीं करता, एक बार गए थे बहुत जी खराब हुआ था। गाइस वाटर पार्क में ना पानी साफ नहीं रहता यार, पहले तो फिर भी रहता था, गंदगी की पूछो मत। 36 बीमारी लगा के लाओ। रिएक्शन क्या होने वाला है फूल को देख के? ये कितना खुश हो गया। रो मत, आ जाओ मेरे पास। ओ डल गया, फिर डल गया चीदो। ये तो गंदा बच्चा है चीदो, ये तो डल रहा है। तो चलो मिलते रेडी। सो गाइस मैं ये सोच रही थी कि जब मैं आपको, अब आएगा इधर, ये देखो टमाटर। आप टमाटर भी चाहिए? हां टमाटर भी चाहिए, टमाटर भी खाना आपको। ये वाले लाल लाल पूछेगा मौसी से क्या लाए हो, क्या बोलोगे आप? जा रहे हैं बाय बाय करने। मौसा जी थोड़ी देर आ जाते ऊपर। चल बेटा। सो गाइस हम घर आ गए थे और घर आने के बाद फिर हमारे घर हमारे मामा आए रहने के लिए। और आज मामा मतलब आए तो वैसे वो कल ही थे, पर अब वो जा रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम उनको कहीं घुमा के ले आए। तो मम्मी और मैं जा रहे हैं कहाँ, मामा को मूवी दिखाने ले जा रहे हैं, है ना, जो कि हमें अच्छी लगी, पर मामा को थोड़ी स्पोर्ट्स मूवीज पसंद है। तो हम सोच रहे हैं कि इनको या तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ दिखा दें, जो कि थोड़ी एक्शन थ्रिलर वाली है, या फिर हम दिखाएं इनको वो मैदान। तो लेट्स सी क्या होता है। और वैसे ये पिंपल ठीक होने का नाम नहीं ले रहा और गाड़ी में मामा वेट कर रहे हैं, तो चलो। ये हमारे मामा है, हैंडसम मामा मेरा है। लगाओ ना, अरे लगाओ ना फोटो लगा लो मामा। और क्या शर्मा क्यों रहे हो, अच्छी लग रही है, आपकी पर्सनालिटी पे सूट भी कर रहा है। मामा को पिलाया हूँ बादाम शेक। पिलाया अरे वाह, मामा ने चले मामा को आगे और लगता है उनको शर्म आती है। गाइस मामा को शर्म आती है ब्लॉग में आने से, इसलिए मैं उनको छुपके छुपके ब्लॉग में लेती हूँ। हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे। गाइस मामा शॉपिंग कर रहे हैं। गाइस मामा कपड़े चेंज कर रहे हैं, चेंज कर करके शर्ट पसंद कर रहे हैं। उनको एक वो ग्रीन कलर की और एक वो वाइट कलर की शर्ट पसंद आई है। तेरे पास दो रास्ते हैं, सुनो। खाओ